फ्रैक्शन एडिशन, 2/3 + 4/6 इज इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 और 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 × 2, 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एडिशन इसलिए ऐड, फिर 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइडेड में क्या करना है, 6 और 3 का जो है वो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 × 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 × 2 = 12 + 4 = 3 = 12, 6 × 3 = 18, 12 + 12 = 24 / 18, और फिर हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर 2 से जाएंगे तो 2 से 9 times और 2 से 12, फिर 3 × 3 = 3, 4 × 3, तो इसका आंसर आएगा 4/3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रखा है 3/2 - 1/4, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे माइनस देखिए रखा है इसलिए माइनस, 1 और 2 का भी मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिवाइडेड में करना है 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, या फिर 2 और 4 चलता है, 4 × 3 = 12 - 2 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 2 = 8, 12 - 2 = 10 डिवाइडेड बाय 8, 10 / 8 का आंसर आएगा 2 से 2 = 4 × 2 = 5 × 5। ओके, 5 / 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, 2/3 × 4/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 4 = 2, 4 × 4 और 3 × 2, इस तरीके से करना है, तो 4 × 2 = 8 और 3 × 2 = 6, मतलब 2 × 2 = 3 × 2 = 4 इसका आंसर आएगा 4/3। नेक्स्ट के बाद में देखते हैं फ्रैक्शन डिवीजन, तो यहाँ पे देख रखा है 4/2 / 1/3, तो आपको क्या करना है, डिवीजन में 4/2 को जैसे का वैसा लिखना है, इस डिवीजन की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, और 1/3 उसका रेसिप्रोकल लेना है, मतलब 3/1, और फिर सेम मल्टीप्लिकेशन का जैसा था वैसा यहाँ पे करना है, तो 4 × 3 / 2 × 1, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12, ये रहेगा आपका आंसर।